हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 3rd सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। एंड आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स की जो टाइप्स होती है वो आपको एक्सप्लेन की गई थी। सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से हो सकते हैं? रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, ये सिंथेटिक फाइबर की डिफरेंट टाइप्स हैं। और इन डिफरेंट टाइप्स में हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में यहाँ पर स्टडी किया है कि सिंथेटिक फाइबर किस तरह से यूजफुल होते हैं इन आवर डेली लाइफ में। सिंथेटिक फाइबर्स का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है अपने डेली लाइफ में। डिफरेंट टाइप के जो एपरेटर्स होते हैं, डिफरेंट क्लॉथ्स होते हैं, डिफरेंट यूटेंसिल्स होते हैं, डिफरेंट एनी थिंग्स आर मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स। दीज फाइबर्स आर चीपर देन अदर सब्सटेंसेस। ये जो फाइबर्स से मेड जो जितनी भी थिंग्स हैं वो सस्ती होती हैं दूसरी अगर चीज अलग दूसरी चीज़ों से, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरह के कुछ सिंथेटिक फाइबर्स को आज हम इस वीडियो में स्टडी करने जा रहे हैं। और आज हमारे पास जो सिंथेटिक फाइबर है इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में या जिसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे वो है हमारे पास पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर चेक करते हैं कि पॉलिस्टर की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, पॉलिस्टर क्या होता है और ये किस किस चीज को फॉर्म करने में यूज किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिस्टर। तो देखो स्टूडेंट्स, पॉलिस्टर ये एक सिंथेटिक फाइबर है। तो मैं यहां पर नोट कर रहा हूं, इट इज ए सिंथेटिक फाइबर। ये एक सिंथेटिक फाइबर होता है, ठीक है ना। इसका यूज किस में किया जाता है? देखो, फैब्रिक्स मेड फ्रॉम दिस, मेड फ्रॉम दिस डज नॉट रिंकल्ड। इसके द्वारा जिस फैब्रिक्स को आप बनाओगे वो इजी वे में रिंकल्ड नहीं हो सकती। तो ये इसका एक एडवांटेज होता है प्लास्टिक का। अदर प्रॉपर्टीज, इट रिमेन क्रिप्स एंड इज इजी टू वॉश। इट रिमेन्स क्रिप्स एंड इजी टू वॉश, आराम से इसकी धुलाई कर सकते हो। वाटर को भी कम एक्सपेंस करता है, कम खर्च करता है और इसकी धुलाई करना भी बहुत ही इजी होता है। इजी वे में इसके अंदर से डर्ट्स वगैरह निकल जाती हैं, ठीक है ना। ऐसा ही एक प्लास्टिक की बात करते हैं और ऐसा एक प्लास्टिक है टेरिलीन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, टेरिलीन इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिस्टर। टेरिलीन इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिस्टर। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स। इट कैन बी ड्रॉन वेरी फाइन फाइबर्स। देखो टेरिलीन जो होता है ना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं? इसके आप पतले से पतले फाइबर्स फॉर्म कर सकते हो, बहुत ही फाइन फाइबर्स बना सकते हो। और इन फाइन फाइबर्स का यूज होता है जैसे पॉलिस्टर की साड़ियाँ बनती हैं, साड़ियाँ बनती हैं पॉलिस्टर के, आप शर्ट वगैरह बनते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स पॉलिस्टर के फॉर्म होते हैं। और पॉलिस्टर एक बहुत ही पॉपुलर क्लॉथ फॉर्म करने के लिए एक सिंथेटिक फाइबर होता है जिसको पीपल्स के द्वारा बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, ठीक है ना। तो देखते हैं
फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न, दैट कैन बी वूवन, दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर, लाइक एनी अदर यार्न, और इसको किसी भी दूसरे धागों की तरह आप इसकी बुनाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो कई बार आपसे एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है व्हाट इज द टेरिलिन, तो आपको लिखना है टेरिलिन इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिस्टर विच कैन बी ड्रॉन वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाता है तो आप इसका आंसर यहां से नोट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किए हुए टेरिलिन को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक प्लास्टिक और एक पॉलिस्टर और है पीईटी, पेट बोलते हैं जिसको पीईटी, ये एक टाइप का प्लास्टर पॉलिस्टर ही होता है और ये एक सिंथेटिक फाइबर भी होता है, ठीक है ना। तो पीईटी क्या होता है इसके बारे में हम यहां पर नोट करते हैं, पीईटी इज ए वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, इज ए वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। इसकी फुल फॉर्म नोट कर देता हूं मैं पीईटी की, ठीक है ना, चलो बाद में लिख दूंगा इसकी फुल फॉर्म को। तो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बोटल्स, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बोटल्स, यूटेंसिल्स, बोतल और बर्तन वगैरह बनाने में इसका यूज करते हो, फिल्म्स बायर्स, फिल्म्स बायर्स एंड एनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट, और भी अनेक यूजफुल प्रोडक्ट को फॉर्म करने में पीईटी का यूज कर सकते हैं। क्लियर है ना। अब देखो इस पीईटी की मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूं, पीईटी फुल फॉर्म है इसकी, कई बार पूछ ली जाती है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ पीईटी, पॉली इथाइलीन टेरेप्थेलेट, टेरेप्थेलेट ये इसकी फुल फॉर्म है पीईटी की, ठीक है ना। तो फुल फॉर्म को हमको लर्न रखना है। तो ये पॉलिस्टर के बारे में हो गया, तो पॉलिस्टर के बारे में मैंने आपको दो स्पेशल नेम यहाँ पर नोट किए, एक तो टेरिलिन और एक पीईटी। एग्जाम्स में पॉलिस्टर को ना पूछकर डायरेक्टली टेरिलिन और पीईटी को आपसे पूछ लिया जाता है, तो इनके बारे में आप ये नोट कर सकते हैं। इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर है वो है स्टूडेंट्स एक्राइलिक, एक्राइलिक। ये एक्राइलिक जो सिंथेटिक फाइबर होता है ये किस तरह का होता है इसको भी लिखते हैं। देखो एक्राइलिक जो होता है, आपने बूल का नाम तो सुना है ना, बूल जो सीप से आपको ऑब्टेन होती है उसको बोलते हैं हम नेचुरल बूल। ये नेचुरल बूल, अब देखो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि इतनी सारी पॉपुलेशन है और जब विंटर सीजन आता है तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन के लिए ही ब्लैंकेट्स चाहिए, सॉल्स चाहिए, स्वेटर्स चाहिए, जर्सीज चाहिए, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, नहीं होती है। तो इतनी सारी सीप्स तो प्रेजेंट नहीं है इस बर्ड के अंदर कि पूरी जनरेशन के लिए सारे के सारे क्लॉथ्स जो वूलन क्लॉथ्स हैं वो अवेलेबल हो जाएं, ठीक है ना। इतने नेचुरल वूल तो अपने पास अवेलेबल नहीं है, और नेचुरल वूल को अगर आप परचेज करते हो तो वो आपको एक्सपेंसिव होती है, खर्चीली होती है। तो
उस नेचुरल वूल की जगह पर एक सिंथेटिक फाइबर को डेवलप किया गया है जो बिल्कुल एज ए वूल की तरह वर्क करता है और उसको बोलते हैं हम क्या, एक्रेलिक। क्लियर, ठीक है ना। तो एक्रेलिक के अंदर हम नोट करते हैं इट इज ए सिंथेटिक फाइबर। ये एक सिंथेटिक फाइबर होता है जिसका यूज विच इज यूज्ड एज वूल। जिसको किसकी तरह यूज करते हैं हम, वूल की तरह यूज करते हैं, ठीक है ना। इट इज ए सिंथेटिक वूलन फाइबर दैट यूज टू प्रिपेयर इट इज ए सिंथेटिक वूलन फाइबर सिंथेटिक वूलन फाइबर दैट यूज्ड टू सिंथेटिक वूलन फाइबर दैट कैन बी यूज्ड टू फॉर्म या प्रिपेयर विंटर क्लॉथ्स। यूज टू प्रिपेयर विंटर क्लॉथ्स। विंटर क्लॉथ्स कौन से हो सकते हैं बताओ, लाइक स्वेटर, शॉल्स एंड ब्लैंकेट्स। इन सबको प्रिपेयर करने में या सबको फॉर्म करने में हम किस तरह के सिंथेटिक फाइबर का यूज करेंगे, एक्रेलिक सिंथेटिक फाइबर का यूज करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी, इट इज चीपर देन नेचुरल बूल। जो नेचुरल बूल है ये उससे सस्ता होता है, आपको इजी वे में अवेलेबल हो जाता है। इट इज अवेलेबल डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कलर और ये डिफरेंट कलर में, इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कलर्स। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कलर्स में ये आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना। इट इज मोर ड्यूरेबल, इट इज मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल। तो ये एक्रेलिक के बारे में यहां पर नोट किया गया, देखो इट इज मोर ड्यूरेबल, लंबा चलने वाला होता है, ज्यादा लंबे समय तक इसके जो क्लॉथ्स होते हैं वो चलते हैं, जल्दी से ये कटते फटते नहीं है, और इन क्लॉथ्स को कोई मौत वगैरह भी नुकसान नहीं कर सकता, ठीक है ना। और वूलन के जो क्लॉथ्स होते हैं, वूल के, नेचुरल वूल के, वो इतने लॉन्ग टर्म तक नहीं चलते, क्योंकि वूल तो क्या होती है, वूल तो धीरे 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 उसका क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है ना। ये अफोर्डेबल भी है, अफोर्डेबल मीन्स होता है हर कोई, हर पर्सन की रिसेस के अंदर होते हैं ये, हर कोई व्यक्ति इसको परचेज कर सकता है, इसलिए ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते, सस्ते होते हैं, ठीक है ना। तो आपने पॉलिस्टर और एक्रेलिक जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनके बारे में यहाँ पर स्टडी किया है और हमने ये सीखा है, वी लर्न इट दैट पॉलिस्टर इज ए गुड सिंथेटिक फाइबर विच यूज्ड टू अस इन डिफरेंट फॉर्म्स। ये हमको डिफरेंट फॉर्म्स में यूज आता है पॉलिस्टर। देखो पॉलिस्टर से आप क्या क्या फॉर्म कर रहे हो, आप बोटल्स भी बना रहे हो, यूटेंसिल्स भी बना रहे हो, पीएटी का यूज करके बना रहे हो ना, टेरिलीन, डिफरेंट टाइप के आपके क्लॉथ्स जैसे साड़ीज कमीज वगैरह जो भी बनाते हो आप, वो टेरिलीन से फॉर्म कर सकते हो, क्लियर है ना। और एक्रेलिक एक क्या है, आपके पास जो नेचुरल वूल है उसका एक ऑप्शन है,
नेचुरल वूल का क्या है हमारे पास, ये ऑप्शन है। तो नेचुरल वूल की जगह पर हम किसका यूज कर सकते हैं, एक्राइलिक का। तो स्टूडेंट्स आज आपने दो नेचुरल फाइबर्स को यहां पर एक्सप्लेन किया है, क्लियर? ओके,